बोल सखी खेल शुरू हो गया छोटी पीपी। मुझसे बड़ा कोई है इस महल में? मुझसे बड़ा कोई है इस महल में? ना। फिर मारे नाक के साथ छोटी क्यों? माफी चाहूं, पुरानी आदत पड़ी है ना। नई आदत डाल ले कजली। डाल गई। हाँ, कौन सा खेल शुरू हो जाए? बताया था ना मैंने, छोटे साई का पंचायत लगाने लगा है जिंदो की बहन के खिलाफ। यो, एक कई बार मिली हूँ मैं जिंदो से, बड़े लागे वो हार कौन है माने। कजली, दुआ करिया कर उसकी जीत वास्ते। सुना लंगड़े की दुआ जल्दी कबूल हो गई। दुआ करिया कर उसके वास्ते, जीतेगी जिंदो। जिया, अरे तुमने आना ही था तो पहले फोन कर देते, मैं अपने साथ साथ तुम्हारी भी चाय बना लेती। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? क्यों, उनसे हमारे रिश्ते की बात करनी है? यार कभी तो बंदा सीरियस हो जाता है। हाँ तो हमारे रिश्ते की बात तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है क्या? जिया प्लीज यार, मेरा वो दोस्त है ना कल रात का जिसका बताया था तुमको। हाँ हाँ, जिससे तुम आज मिलवाने वाले थे ना। हाँ, उसे पुलिस उठा के ले गई है। क्यों? क्योंकि इनसे असल मुजरिम तो पकड़े नहीं जाते, गरीबों को उठा के ले जाती है। अच्छा डोंट वरी यार बाली, अभी पापा को फोन करते, वो थाने कॉल करेंगे ना, वो फौरन छोड़ देंगे उसे। चलो। तो मैं भी पापा के पूछ रहा हूँ। हर बार उनकी करनी, गुनाह भरनी हमने। तन्ने पता है ना कि सारी पंचायत उनकी अपनी है। मैंने बात करनी थारे से। बोल, पर जाने की बात को ना करियो। जिंदो फैसला एक ही बार करे है और वो कर चुकी। अरे जिंदगी तो वैसे भी किसी काम की कोना, थारे काम आ जावे कल परिया में मन्ने अपने साथ ले चल, सारी कोठा के सामने बोल खोलूं की उड़की। सबकी पगड़ी में एक की जैसे बल होवे हैं छोरी, थारे वहां जाने से मुसीबत टलेगी कोना। जिंदो के ऊपर एक और इल्जाम लग जावेगा कि महल की मफरूर नीनू अपने घर में पना देकर रखी है। तुम दोनों की बात अपनी अपनी जगह ठीक है, पर जो होवेगा उसका सोच के मन्ने डर लग गया। यो तेज हो गई है भाड़ो। लकड़ी काट के देख एक बार में कितनी कटे है। मन्ने पकड़ा दियो यो। मर्दा की भीड़ में कल्ली औरत के करेगी जिंदो? यही सोच के तो औरत मरती जावे है शानो, पर मारे सोच में एक ही बात है, मैं मरूंगी तब मारे साथ किसी एक नेता मरना पड़ेगा। तारा काम था ते रात में फोन कर दे माने। वो ससुरा सास सही से गोना लेने दे रिया था, ते फोन की बात करे। चल शुक्र कर थारी जान बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या क्या डाल देता थारे पे, फिर लंबा ही जेल जाना था। बाली, ते खाना खावेगा? हाँ। फिर ऑर्डर कर भी दे। हाँ। भाई चार पराठे आलू की भुजिया और चाय कर दो। क्या होया? मैंने कल रात की भूख लागी है, मैं दो खाऊंगा। छह पराठे कर दो भाई। क्यों होया? यहाँ के पराठे छोटे हो गए ना। आठ पराठे कर दो भाई। अम्मा दुआ कर, जो होन जा रहे वो ना होवे। इब के होन लगे हो अम्मा?
जुगनी पे दादसा ने इल्जाम लगा दिया। इल्जाम लगा दिया? के इल्जाम लगा दियो? कि वो अपने नौकर के साथ मिले हैं। कमीनी जात, झूठ बोले है? मुरंता याद कोना दादसा ने? देख लेना, एक दिन फुड़क के मरेगा वो। मारी भी खुले दिल से बददुआ है, अपनी औलाद के हाथों जलील होवेगा वो, देख लियो। अल्लाह सही गारत करे। इस बारी रोड के अलावा जगह मिल जाए तो कमाल ही हो जाएगा। हाँ। जानवर जल्दी बिक जाएंगे। अच्छा फिर तो पैसे भी बहुत मांगेगा। हाँ। यो ठेकेदार है। लेकिन ना रोड की तरफ ना जाए। ऐसे सलाम अलैकुम ठेकेदार साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक। इस मरतबा बड़ी जल्दी आ गए तुम। के करे, पिछली बार जगह की तंगी हो गई थी ता करके। जगह तो मिल जाएगी इस बार, मगर पैसे ज्यादा होंगे और हर जानवर पर 3,000 रुपए टैक्स देना होगा इस बार। 3,000? ना भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। भाई देख लो, बारह है तो ठीक है, नहीं तो किसी फुटपाथ पे लगा लेना। ना फुटपाथ पर कोनी। तुम्हें याद है ना पिछली मरतबा पुलिस वालों ने तुम्हें पकड़ लिया था और मैंने तुम्हारी जान छुड़वाई थी। पुलिस पकड़ लिया था? पुलिस? हाँ। थोड़े से तो कम कर लो ठेकेदार साहब, देख इतनी दूर से आए हम। सोच लो, मैं जरा अगली मंडी में जा रहा हूँ। चलो हम मशवरा करके बता। हाँ। देखने यार इसको। यार फकीर है के, यार निकालो उसे साइड में करो। समझ लो कौन आ, दूसरी मंडी में भी जगह को नहीं मिल रही। तेरा कोई जानने वाला है? नहीं मेरा कोई नहीं जानने वाला। के करा है तू? के करेंगे? और यो पुलिस? अरे पुलिस वाले से भी पिछली बारी पैसे दिए थे और जानवर भी लिए थे उन्होंने, फुटपाथ पर को नहीं लान देते। अब के करेंगे? अब इससे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। समझ में कौन आ रही, तो देने पड़ेंगे। जुगड़ी बता रही थी कि तय ऊंचे टिब्बे पे बैठी है, सोचा मैं भी थारे पास जाके बैठ जाए। आज तने देख भी लिया। के करेगी बैठ के? बांट लूंगी थारे इंतजार। सुख बांट के थाली में रखे जावे, दुख तो मन से बाहर गुणा, फिर बांटेगी कैसे? तय कब से प्यार करे फकीर से? फकीरे ने पता हुए कि फकीरे ने कौन पता? ते तय कदी बताएगी भी कौन? सच पूछे ता मन ने भी कोई प्यार शार कौन? बस सुफने दा रंग देखे बगैर चैन गुना आवे। कि सुफने दा रंग से मैं मंगया, अखियां नु कैद बोल गई, अखियां थारा यूं बेचैन होके टहलना और दरवाजे की ओर देखना मन ने यकीन दिलावे कि तन्ने मारे से प्यार हो गए। यो बेचैनी मारे मारे में थारे करतूत की वजह ना लोगे। गरीब घर में पली है ना, ताए मीरा के शौक से अनजान पहचान हो गई मने थारे शौक ने। खूब पहचान हो गई हसरत,
सारी लगाई छोरी जन है तने मार दे गोठ में ब्याह के आने वाली पहली रात मालमा गुजारे यो भी थारा शौक है। बोल तन्ने मारे शौक की गिनती शुरू कर दी है तो जमा तो फ्री करके काहे अपना दिमाग खराब कर। यो दिमाग तुम्हारा खराब हो गया असरत तई अपने शौक में भूल गया कि मैं थाड़े निकाम में हूं जितना थाड़ा आके मारे पे उतना मारा आके थारे पे। अरे थारे सारे हक तो दे रहे हैं गुस्सा का है तई जिंदड़े बहन बर्बाद करना चाहे क्या करूं नजर में भाग गई। यो नजर में भाग गए थारे तो मैं थारी नजर से उतर गई। हाँ ना तू तो हसरत का नखरा है जिसको देखूं तो लाड आए भला अपने लाड को भी कोई नजर से उतार रहेगा। तई बड़े के कमरे में सोवेगा या मैं सो जाऊं काहे नहीं चली जा। मैं तक आऊं जहां मुफ्त जगह मिली बैठ जावेंगे। पुलिस टिकने को ना देवे वहां भी पुलिस आवे है क्या? बताया तो था एक बार भुगतान भुगत लिया सारे जानवर जब्त कर लिए थे मुफ्त मां तीन जानवर देने पड़े और उस ठेकेदार ने सौदा कराया था तब भी थी यही कह हुए था कि 3000 ज्यादा है तो के करूं और कोई रास्ता भी तो कोना। जो भी फैसला करना है करो आज वापस फिरतेंगे। इतना जल्दी वापस कोना जा सकोगे तुम लोग? क्यों इब ये हुआ शख्सी जमानत पे हो बड़े ही केस कर दिया पुलिस ने शुक्र करो थाने से बाहर जे पुलिस रिमांड ले लेती ना तो लंबा काम था। पर हमने तो कुछ ना किया पर पुलिस ने तो लिख दिया थोड़ा लंबा काम है पर करवा लेंगे केस खारिज। पर इब सवेरे शाम थाने हाजिर लगानी पड़ेगी तुम तीन आने कर लो बात मैं गोट वापस प्रतने की कर रहा हूं इब के करूं तुम्हारी भाड़ों परेशान हो रही होगी। तो फिक्र ना कर भाई का फोन आएगा तो बता दूंगा वो सनेहा दे देंगे थारी बानों ने। ना ना अपने भाई से यो बात ना छेड़ियो वरना मारी भाड़ो ज्यादा परेशान हो जावेगी और महल तक भी मारी खबर चली जावेगी। चाय पिएगा? ना चलो थारी मर्जी। रोटी खाऊंगा फिर चाय पीऊंगा। सोचे भानो दुआ कर पंचायत का फैसला निपटने से पहले फकीरा ना आवे। जब वो आ गया ना तो बिना सोचे भिड़ पड़ेगा उनसे बात मरने मारने पे आ जावेगी और मारे से अपने भाई का पस्ता दुआ कर। तन्ने कुछ हो गया भाड़ो मन ने मारी जिंदगी ता होने के इंतजार में
पहले से ही खत्म हो रही है। एक दिन तो वो भी चढ़ेगा जब हम को ना होंगे। शुक्र है मान गया वो, बस्तर नहीं मना लिया, हमारे बस की बात को ना थी। तय की सोचन लग गया फकीरे। मैं तो सोचूं यो दोनों यहीं रह जावे और मैं गोडमा चला जाऊं। ये किया ना तब तो तू पक्का मुजरिम बन जाएगा। मैं भानु से मिलके वापस आ जाऊंगा। थोड़ा सबर कर ले फिर चला जाइयो। ओ जिगरी मन्ने चूरी लेनी है। ले ले। ओ फकीरे यहाँ मांगी है, अगे दुकान है हमारे वाली, वहीं से लेके जावे। ओ मैं पैसे दे दूंगा ले ले। और ना बाली भाई पैसों की बात को ना, वहां से चिचुड़िया मिला, चल वहीं चला। चल चल फिर। लो भाई सबने पता है ये पंचायत क्यों कटी हुई है। मुद्दई ने इल्जाम लगाया है इसके नौकर के जिंदो की बहन के साथ ताल्लुक है, पर जिंदो ये बात मानने से इनकारी है। जो इल्जाम लगाने वाला सबूत दे तो सजा जिंदो की बहन ने मिलेगी, जो सबूत ना दे सके तो उसने भी इस इल्जाम का भुगतान भरना पड़ेगा। सबसे पहले हम चाहेंगे उस आदमी ने सामने लाया जावे जिसने जिंदो की बहन के साथ ताल्लुक का दावा किया है। बुलाओ भाई। हाँ भाई तन्ने जो इल्जाम लगाया है इसका कोई गवाह है थारे पास? हाँ जी। और जिंदो वाला खो किधर है? वो उस पास है। खा ले। ये जुगड़ी, ये कौन था? किसी के घर का रास्ता पूछ रहा था। अरे भाई वाह, आज तो कमाल ही हो गए। यानी कि बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के करतूतों की गवाही देवेगी। औरत की गवाही आधी मानी जावे और ऐसी सूरत में गवाही ज्यादा मशकूक हो जावे जब रिश्ते सगे ना होवे। तारे पास कोई और गवाह है? हाँ जी। कौन? यो ढोलक वाली। जुगनी यो कौन था? पता नहीं, मिठाई बांट रहा था, कह रहा था हमारे घर छोरी हुई है, दुआ करना कि भाग्य वाली होवे। मैंने कह दिया अल्लाह नसीब अच्छा करे। यो कमीना था जिंदो। ते परेशान ना हो, मैं बैठी हूँ यहाँ फैसला करने को। परेशानी वाह रोले की तरह दिमाग ने घुमाई जा रही है, क्या होगा पता नहीं। क्या कह सकूं बेड़ा, बस दुआई है रब सोना कबूल करे। इंसान पे जिंदगी इम्तिहान बनकर नाजिल होवे, यो इम्तिहान तो देना पड़ेगा।
वैसे तो इस हलफ की जरूरत कौन आ, मैं ही नहीं पूरी गोठ इस बात की गवाही देवे कि जिंदो झूठ को ना बोले, पर क्या करें, इंसाफ के तकाजे भी तो पूरे करने हैं। इब बता जिंदो, तने यू आदमी अपनी बहन के साथ देखा? हाँ सरपंच, पर यो तो बा 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 देखा था, बोल दिया। कैसे देखा था, किस हाल में देखा था, प्रिया को बताने की जरूरत कौन? हाँ भी ढोलक वाली, अब तैं भी सच बोल दे। मैंने भी इसने एक बार देखा था है, पर यो बस 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 फैसला हो गया, दोनों ने देखा था। फैसला तय करेगा या छोटे सर पे बड़ी पगड़ी रखी हुई हो सरपंच? बात तो साबित हो गई है, इस आदमी से ये छोरी मिलती रही है। ये झूठ है ना, थारी बहन और मासी ने देखा है, क्या वो झूठ है? ये मुझसे मिला था, पर क्यों मिला था ये तो पूछा कौन है तन्ने? मिला था प्रिया को, इस बात से गर्ज है। क्यों मिला था, कैसे मिला था, इससे गर्ज कौन है? बिना सारी बात सुने फैसला कोना कर सके? ते के गए वे छोरी, सारी भी छुन लवे। यो इल्जाम लगा रहे हमारे पे, मारा कोई ताल्लुक कोना इससे? ते के वे ये झूठ बोले, पर ऐसे झूठ ने साबित कैसे करेगी? अल्लाह करेगा साबित। अरे अल्लाह ने ही हमें बिठाया है ना इस इंसाफ की कुर्सी पे फैसला सुनाने के लिए। फैसला ते सरपंच ते कल रात को ही हिफ्ज कर कर आया है महल से, अभी सिर्फ सुनाना बाकी है। पर मारी कई बात तने को ना याद है, मैंने कहा था ना जो भी इस झूठ को सच करने की कोशिश करेगा उसकी मुंडी धड़ से अलग कर दूंगी। जिंदो, तू परिया के फैसले के खिलाफ जा रही है, मैं चाहूं तो तने अभी सजा सुना दो, पर नहीं, थारी बहन पे यकीन करके ये सारा मामला अल्लाह पे छोड़े। एक रात एक दिन इस छोरी ने ऊंचे टिब्बे पे गाड़ दो, अगर सच्ची हुई तो बच जाएगी, झूठी हुई तो कोई ना कोई जानवर खा जाएगा। जे तने अब भी इतराज है तो अपनी गोट के सरदार से बात कर, कल सुबह तक का वक्त है थारे पास। आजा आजा। यो बात सुन, साईं के सामने नजर नीचे रखना, पुरखों की रिवायत है, जे इसको पूरा करना सारे गोड का फराज है। जा जा, यहां से ऊपर चला जा। बीमारी सफेदी है छाई,
कटारी हाथ माई। महल वालों ने अपने सामने खड़े आदमी में सर उठा देखने की आदत कोना। अब थारा मुख ठोटी पकड़ के उठावे के अपनी नजरों से मलने देख, मैं तो तलने देखूं ही। बाबा साईं, मैं उठाऊं के इसका मुखड़ा। चलते हैं उठा ले, बड़े होके तलने ये ही तो करना है। चल तन जा हजरत जाके सो जा रा, ताका जा किना करियो। मारी नजरों से अपनी नजरें मिलावे की कोना। मासाला थारी नजर उतारू बड़ा मन करे मारा। मन लागे है तने थारी तारीफ अच्छी कोना लागे। चल कोई बात नहीं, काम की बात कर ले मैं जिसके लिए तय आई है। सजा से बचाना चाहे ना अपनी बहन ने, बच जावेगी, पर उसके लिए भुगतान भरना पड़ेगा तन्ने। पहली रात की तरह। तुम परेशान ना हो, थारी भाणो गई है ना, बात मनवा के आवेगी। अम्मा मैं जरा ऊंचे टिब्बे पे देख कर आऊं, हो सकता है फकीर आ गया हो। मारी बात तो सुन। छोरी ते घर जा अपने, मैं जरा हकीम से दवाई ले आऊं अपनी, जिंदो आवे तो मन्ने बता दियो। बुरी लगी मारी बात, गुस्सा आ गयो। ए जिंदो, औरत जैना मोम की तरह उसे गुस्से माते और भी प्यारी लागे। दाद साई, औरत सिर्फ अपने मर्द के लिए मोम हुए, पर ना औरत जैसा ते पत्थर भी पत्थर ना हुए। यो बात है, ता फिर आज पत्थर से भी टकरा ले मैं। बड़े साई, बड़े साई, क्या बात है? बड़ी सही, वो बड़ी ने तबीयत खराब हो गई अचानक। जिंदू ते निकल जा यहां से, इस माल में लूटने वाले बड़े बचाने वाला कौन है? तू निकल जा। यो वाली दिखा दे। क्या हो गया?
यो तो कच्ची है फकीरे कांच है कांच कच्ची हुए या मेल कोड़ा लागे भाई कोई और दिखाओ जरा मजबूत सी भले महंगी हो ये प्लास्टिक की पहन ले ये टूटेगी नहीं हाँ पान पहनेगी पान पहनेगी यो तो बहुत अच्छी है हमारी बाण पहनेगी हमारी जुगनी पहनेगी सब पहनेगी मैं भी पहनूंगा हमारी जुगनी पहनेगी हमारी भानो मासी बिंदी पे पहनेगी रे छोरी क्यों क्या तुम्हें मड़े के हो यार वो कजली बता रही थी कि थारी तबीयत के होया हमारी तबीयत ने मन पता लगा था ते यो चक्कर था बस तो कुछ खाया पिया का ताकत होवेगी ताई ते इस महल का वारिस जनेगी ते यो ते ख्याल कौन रखे इसका देसी घी की चूरी बना के दे साथ में दूध की गुड़वी जी बड़े से दरवाजा बंद कर दरवाजा क्या बात है कजली अपने झूठ में मारी आंखी मिलाई तूने एक मजरूम ने बड़े साई की दरिंदगी से बचाना मैंने किसने जिंदू ने जिंदू ने हाँ अपनी बहन की सजा माफ कराने आई थी और बड़े साई ने सजा के बदले अब क्या बताऊं मैं समझ गई ना तन्ने जिंदू का पता कोई ना पहली रात जब इस हवेली से अपने मर्द के घर वापस गई था उसने अपनी कोख छुरी से फाड़ दी के मर क्यों उस रात के सवेर तुमने कभी ना बोले ले जिंदू जिंदू ले जिंदू क्या कर रहे तुमने शकों पे ली तो फिर से हलाल को ना चाहोगे मैं जिंदू बिंदी ये बिंदी देख क्या कर दिया छोरी ने ले संभाली से माफी ना लेकर आऊं देख क्या कर रहे हैं छोरी ने संभाली से उस दिन से मारा गोट जिंदू की बड़ी इज्जत करे बड़ा साई भी जिंदू की नफरत में दुश्मनी बना बैठा नहीं तो बड़ा साई तो बड़ा ताकतवर है मार क्यों नहीं देता जिंदोड़े कह वे है जिंदगी में पहली औरत है जिसने दांत साईं से टक्कर ली मारी नजर में वो मर के भी हमेशा जिंदा रहेगी बस दुख देवे उसने माँ ना मरने का पछतावा ते होता होवे उसने जिंदो 5 बरस की थी तब से पाल रही है अपने भाई बहन को उसकी सारी खुशी उन दोनों में है अपनी जान से ज्यादा प्यार करे दोनों
बादर निकली फिरता जिंदो। बहादुर तो है पर सारी बहादुरी फकीरा के सामने कमजोर पड़ जावे। जिंदो को अपनी जान की परवाह को ना, बस उसके भाई को कुछ ना होवे। मैं सोते लेक पड़ा यो ही ते बात है ना, जिंदो दोना नो अपना सक्का समझे और वो दोना भी जिंदो को अपनी बहन ने माँ की जगह पे रखे, जान देवे एक दूजे पे। बोल सखी और क्योंकि मैं ग्रीन हूं।